हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेरा। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा। आर यू गाइस रेडी फॉर एन एडवेंचर? मैं इस वक्त मौजूद हूं 18th एडिशन ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट रैली के अंदर, और ये वो जगह है जहां पे टॉप टियर टीम पाकिस्तान की आके अपनी रेस स्टार्ट करती हैं। दिस ट्रैक इज अराउंड 500 किलोमीटर्स लॉन्ग, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट बाय फार। इस ट्रैक पे सिर्फ गाड़ी की एंड्योरेंस नहीं बल्कि ड्राइवर की फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट होती है, और सुनने में आ रहा है कि इस दफा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी हैं। सो गेयर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट 18th एडिशन ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट रैली। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक कैटेगरी के ड्राइवर से, जो कि सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव क्लास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डी क्लास, सी क्लास, बी क्लास और ए क्लास की कैटेगरीज पे हम देखेंगे ड्राइवर्स का रिव्यू और ड्राइवर्स की क्या फीलिंग है, क्या उनकी प्रेपरेशन है, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ड्राइवर सबसे ज़्यादा नर्वस होता है। महीनों की प्रेपरेशन और महीनों की तैयारी के बाद इट कम्स टू अ सिंगल पॉइंट जहां पे ड्राइवर का प्रेशर मैटर करता है, और देखते हैं ड्राइवर्स की क्या फीलिंग है। हर दिन एक कैटेगरी को दिया जाता है, कुछ दिन स्टॉक कैटेगरी भागती है, कुछ दिन प्रिपेयर्ड कैटेगरी भागती है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आज स्टॉक कैटेगरी की जितनी गाड़ियां हैं वो इस रेस में जा रही हैं। एक मिनट के डिले से चोलिस्तान रैली के अंदर बारी बारी गाड़ी जाती है, और जौन सी गाड़ी अपना टाइम फास्टेस्ट करेगी दैट विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। इस रैली के अंदर 8 डिफरेंट कैटेगरीज है, ए बी सी डी और ए बी सी डी प्रिपेयर शामिल है, जिसके अंदर हर कैटेगरी का अपना सेपरेट विनर डिसाइड होता है, और इसकी जो कैटेगरीज है वो इंजन किसी के लिहाज से डिवाइड हो रही है। इसके साथ साथ अभी ये गाड़ी जाने लगी है, आप इसको चेकेट फ्लैग देंगे और दिस विल गो ऑन अ 500 किलोमीटर ट्रैक टू गिव द बेस्ट टाइम। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ऑल द वे फ्रॉम कराची, ऑल द वे फ्रॉम कराची, और दिस इज अ ह्यूज टीम, और ये बहुत ही फेमस टीम के मेंबर है। आपकी कैसी प्रेपरेशन चल रही है अभी तक? प्रेपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी है और उम्मीदें भी बहुत हैं। जबरदस्त। आपकी पूरी फैमिली जस्ट हियर दिस, आपकी फैमिली के कितने मेंबर्स इस वक्त रेस कर रहे हैं, रैली के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? वैसे तो सभी हमारी फैमिली है, बट हमारी इमीडिएट फैमिली से 3 एंट्रेंट्स हैं। 3 एंट्रेंट्स, और वो कौन कौन है? मेरे भाई है, बड़े भाई है शिराज कुरैशी, और मेरी भतीजी है माहम शिराज। तो ये पूरी रैली फैमिली है, और आई एम श्योर दिस गोइंग टू परफॉर्म वेल, और क्योंकि ये तो दिस इज काइंड ऑफ इन योर ब्लड। इट इज, इट इज। आप कितनी देर से रैली कर रहे हैं? मुझे लगभग ये मेरी दूसरी रैली है, सो हाँ, स्टार्ट किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बट मोटर स्पोर्ट्स का के पार्टिसिपेंट्स हैं हम काफ़ी अरसे से, और हम टारमैक रेसिंग वगैरह, गो कार्टिंग वगैरह बहुत करते हैं, सो वी ट्रांजिशन टू रैलिंग नाउ एंड होपिंग टू यूज एक्सपीरियंस। मोटर स्पोर्ट इवेंट इन पाकिस्तान, इट इज नो डाउट, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इट्स अ ग्रैंड स्लैम ऑफ एन इवेंट, एंड एवरीबॉडी शुड एटलीस्ट स्पेक्टेट इफ नॉट पार्टिसिपेट, दे शुड कम एंड वॉच। बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट है TDCP की, और बहुत ही मज़ेदार इवेंट है।
होती है जो कि बहुत मशहूर और बहुत grueling और बहुत मुश्किल होती है, उसकी almost half the same kind of distance. But you have to maintain your momentum. It's all about कि आप over अपनी गाड़ी को एक limit से ज़्यादा push ना करें. It's not कि आप तेज से तेज गाड़ी चलाएं. You have to maintain your temper or patience. Racing के अंदर सबसे ज़्यादा count करती है. Exactly. So all the best to you. Thank you so much. And to your whole family. Thank you. Let's hope आपका result जो है वो बेहतरीन आए. Pleasure talking to you. और लेट्स सी कि ये किस शहर से ड्राइवर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र. व्हिच सिटी आर यू फ्रॉम? फ्रॉम क्वेटा. क्वेटा? यस सर. ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा? यस सर. जबरदस्त. और वो आपकी कौन सी रैली है ये? सर, ये रैली पहले का ये मेरी दूसरी रैली है. मेरी पहली रैली भी चोलिस्तान थी और 2022 थी, और इस दफा 2023 है. मतलब दिस इज योर फेवरेट रैली? यस, दिस इज माय फेवरेट रैली एंड माय फेवरेट ट्रैक. जबरदस्त. और इसके लिए फिजिकल एंड्योरेंस बहुत ज्यादा चाहिए, मैंने सुना है इस ट्रैक के. यस, लॉन्गेस्ट रैली ट्रैक. और फिर सर इसमें बहुत सारे ट्रेन आते हैं जो अलग अलग करके हर 25 मिनट के बाद आपको ट्रेन चेंज मिलता है. जबरदस्त. कहीं पे टफ है, कहीं पे इजी है, कहीं पे फास्ट है, कहीं पे स्लो है. तो आपको अपना ड्राइविंग स्टाइल टोटली चेंज करना पड़ता है? जी बिल्कुल. यहाँ पे आपको अपना एक वो रखना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है. एग्रेसिव नहीं होना, अपने पेशेंस नहीं होना, और आपका बेसिक जो यहाँ पे रेस का मतलब होना चाहिए वो आपका फिनिश का होना चाहिए. एग्जैक्टली. कंप्लीट करना, कंप्लीट करना वही है कि इस चोलिस्तान रैली में जो रेस कंप्लीट कर जाए वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गाड़ी के लिए बहुत ही एक टफ और ड्राइवर के लिए फिजिकली जो टफ रेस होती है. ऑल द बेस्ट. क्या आपकी और भी टीम की? यस सर, हमारी चार गाड़ियाँ और हैं, और अनलकली हमारी रात एक गाड़ी टूट गई थी. ओके. और जब भी थोड़ी देर में बनी. दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम. दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम. ये अपने माइंड में रखना है कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम. बिल्कुल. ये हर गेम में आपने अपने आप में पेशेंस रखना है. प्लेजर टॉकिंग टू यू. ऑल द बेस्ट. This desert rally is not limited to cars. जिस तरह के rallies के अंदर यहाँ पे bikes का भी competition होता है. Top two categories में bikes का competition हो रहा है, RX 250 और 450. और हमारे साथ एक बहुत ही unique duo है, Adnan भाई and his son Heather. Welcome to Gear Up, Adnan भाई. How are you? Fine. और welcome to Gear Up, the young star, young talent of Pakistan. He is South Punjab's youngest rider, और ये उनके फादर हैं. और क्या ये इनको इतनी यंग एज में बहुत एक डिफरेंट पाकिस्तान में आप यू आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, और एक जो एक नॉर्म है उसको आप टोटली ब्रेक कर रहे हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे स्टोरी तो मेरी ही है क्योंकि ये मुझे ही देखता रहा है डर्ट बाइक राइड करते हुए. तो ये पहले बच्चा था, मेरे साथ बैठता था टैंक पे. अच्छा. तो उसी को देख के लेके फिर इसको शौक पैदा हुआ. तो अभी मैंने 2 साल हो गए हैं तकरीबन इसको बाइक लेके दिया है. अच्छा. तो अब माशाल्लाह से ये अच्छा एक राइडर है और बहुत अच्छे इसके स्किल हैं, और ये प्रॉपर सेफ्टी के साथ अपने सेफ्टी गियर के साथ कैरी करते हुए फिर ये राइड करता है. यंग बच्चों के लिए स्पेशली जो कि राइड करना चाहते हैं, अगर तो आपका सेफ्टी गियर पूरा है तो ही आप राइड कर सकते हैं, और सेफ्टी शुड कम फर्स्ट. और हम हैदर से भी कुछ गुफ्तगु करते हैं. हैदर, डू यू स्टडी? किस क्लास में पढ़ रहे हो? फिफ्थ क्लास के अंदर? सीरियसली? और मैं इसके स्किल्स देख रहा था, इसके प्रॉपर बाइकिंग स्किल्स आर अमेजिंग. और आप क्या फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, कि इसी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी जाने का प्लान है? या पाकिस्तान से बाहर तो फिलहाल नहीं. अभी हम जो हमारा ग्रुप है, जो हमारे एडमिन है, वो इसी मतलब हम भी उसे उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि भाई अंडर 15 जो है उसकी कैटेगरी भी हम हमारी इसी रेस में इंटर करें. तो वो जब होगी तो प्रॉपर ये भी फिर रेस ट्रैक पे होगा इंशाल्लाह. ज़बरदस्त. तो ये बाइक जो है ये कितने सीसी है? ये बड़ी छोटी बाइक है लेकिन दिस इज़ अ प्रॉपर. जी जी जी, ये 150 है डर्ट बाइक. 150 जी बिल्कुल. तो इसकी टॉप स्पीड कोई आपने लिमिट किया हुआ या इसकी? तो जो डर्ट बाइक होती है उनकी जो टॉप स्पीड है वो कम होती है, इनमें पावर ज्यादा होती है. पावर ज्यादा क्योंकि जो ऑफ रोड ट्रैक होते हैं वहाँ पे आपको टॉप स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे आपको पावर की जरूरत पड़ती है. जबरदस्त. तो आपने ये ब्रांड न्यू लिया या आपने इसको खुद बनाया?
पहले मैंने इसका लेके दिया था, इसके पास था 110, तो 110 से फिर ये अपग्रेड हुआ है 150 पे आया। उसका स्किल जो है वो बाइक से जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। चले प्लेजर, और आई होप यू गेट टू लाइक पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इंशाल्लाह वेट करेंगे, और लेट्स होप यू गेट इट ऑल। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। शुक्रिया। नेज़ेबाजी एक ऐसी चीज़ है जो कि सदियों से चली आ रही है, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ रैली। 1, 2, 3 गो। आपने जीप ड्राइवर्स, बाइक ड्राइवर्स को देखे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे फेस्टिविटीज़ का एक पूरा माहौल है, जिसके अंदर कैमल डांसिंग, पीछे पूरी एक टीम खड़ी है जो कि इस मेले को सजा रही है, और उसके अलावा यहाँ पे टेंट पैकिंग का भी इंतज़ाम है। तो चले आएँ देखते हैं। जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए यू हैव टू कनेक्ट टू योर राइड टू बी वन, उसी तरह इफ यू ऐड बैलेंस एंड प्रिसीजन टू द मिक्स तो बनती है टेंट पैकिंग, जिसके अंदर आपका जो घोड़ा है वो फुल स्पीड पे जा रहा है और उस पर आपको सर्जिकल प्रिसीजन के साथ इतना सा टारगेट होता है, यू हैव टू पिक इट अप फ्रॉम द ग्राउंड, और उसके लिए पूरे पाकिस्तान से लोग इस कल्चरल फेस्टिवल को देखने आते हैं। और बाय द वे, नेज़ेबाजी एक ऐसी चीज़ है जो कि सदियों से चली आ रही है, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ रैली। आपको पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर रैली में टेंट पैकिंग का फेस्टिवल भी मिलेगा। जी यहाँ पे रैली के साथ साथ ड्रैग रेस का भी एक पूरा इवेंट किया गया है बाइक वालों की तरफ से, जो कि साजगार ग्रुप, और इसमें मैं पार्टिसिपेट करके देखता हूं कि बाइक 2.0 कैसा परफॉर्म करती है, और यहां पे सारे गाड़ियों के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्या कहते हैं, एंटरटेनिंग ये इवेंट है। सो आई एम गोइंग टू सिट इन द कार, लेट्स सी। जी हम ड्रैग रेस के लिए तैयार हैं, और हमारे साथ है नासिर भाई। नासिर भाई, आर यू रेडी? यस फॉर श्योर। ओके, सीट बेल्ट ऑन, सेफ्टी इज अ मस्ट। गो अहेड। ड्रैग रेस, और मुझे ड्रैग रेस का बहुत मजा आया, वो सो डैम क्लोज, एंड इन द गाय इन ब्लैक वन, मैं थोड़ा सा लेट हो गया ऑन द थ्रॉटल, ये इतनी कंपेटिटिव रेस है कि यू हैव टू बी राइट ऑन टाइम, सो इट वाज फन हैविंग अ ड्रैग रेस इन दिस चोलिस्तान रैली। मजा आया, बिल्कुल टू फास्ट टू फ्यूरियस वाली फील आई है, फुल ड्रैग रेस चल रही है, और पीछे मट्टी देख सकते हैं, ऐसे मट्टी में मैं भर चुका हूं, बट इट वाज अमेजिंग।
सलाहुद्दीन लगारी साहब जो कि बी स्टॉक कैटेगरी के अंदर अपनी गाड़ी भगाने लगे हैं, क्या प्रेपरेशन है लगारी साहब आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली हाउ आर यू गेटिंग इन द जोन? आई थिंक टोटली फ्रेश है, एवरीथिंग फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रात को पूरी नींद कर गया जबरदस्त। तो आप कितनी देर से रैली में हैं? मैं फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग रहे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हार्ड कोर रेसिंग के बाद शाम को सजता है मेला चोलिस्तान रैली के अंदर और मैं उस मेले पे इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे सब ड्राइवर्स, उनकी फैमिलीज, TDCP के ऑफिशियल्स, जितने लोग हैं इन्वॉल्व्ड इस रैली को स्पेशल बनाने के लिए, उनके लिए एक प्रॉपर कॉन्सर्ट, एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है। दी अरेंजमेंट्स आर वेरी गुड, एवरी अरेंजमेंट, द सिक्योरिटी, द स्टेज इज अमेजिंग। So let's see ये इवेंट कैसा रहता है एंड टमोरो अर्ली मॉर्निंग इज गोइंग टू बी द फाइनल रेस। देखते हैं कि वो रेस कौन जीतता है। हम आज इस जीप रैली में सबको पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन इसी तरह के कल्चरल इवेंट से प्रमोट की जा सकती है।